नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में बाल सर्वेक्षण गृह से भागे 5 अपचारी बालक पकड़ाए, किचन की खिड़की तोड़कर हुए थे फरार। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित बाल सर्वेक्षण गृह से बीते कल 5 अपचारी बालक भागने में कामयाब हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार 24 घंटे से जुटी हुई थी। और आज सुबह सुहागे थाना पुलिस ने टमस नदी के समीप 5 को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते ही फरार हुए 5 अपचारी बालकों ने पहले नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल बीते कल सभी अपचारी बालक बाल सर्वेक्षण गृह के किचन में लगी खिड़की को तोड़कर भाग निकले थे। पूरा घटनाक्रम किचन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था। बाल सुधार गृह से भागने की योजना बनाते और खिड़की तोड़ते बाल अपचारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इस दौरान एक अपचारी बालक ने सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन भी काट दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह से चले गए थे, उनको सुहागी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब कथन लेकर संप्रेषण गृह को उनको सुपुर्द किया जाएगा। कहाँ पकड़े गए? ये सुहागी थाना क्षेत्र से। वो सब उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा उसके अनुसार फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की। ये सब अब जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे इसके बारे में।